बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं बृजेंद्र सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद बृजेंद्र सिंह का बयान, राजनीतिक कारणों के चलते बीजेपी छोड़ी है। बृजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कई विचारों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं बृजेंद्र सिंह। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार लोकसभा सीट से सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी पहले ही दी थी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफे के बाद बृजेंद्र सिंह अपने पिता बीरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मिले और उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से मैंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हिसार से लोकसभा सांसद बनाकर जनता की सेवा का मौका देने के लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया है और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं बृजेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पहलुओं पर सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी है और कांग्रेस ज्वाइन की है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हरियाणा के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह को बीजेपी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था और हालांकि अभी लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, उससे पहले ये बड़ी राजनीतिक हलचल है।